हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी जो है OP41 का अपडेट के बाद जो है डाउनलोड फेल रेट आए वाला प्रॉब्लम आता है, लोडिंग प्रॉब्लम आता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम है वो फिक्स कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बैक आ जाना है गेम से, आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मोबाइल डेटा के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, क्या आपको लॉन्ग टाइम आपको दबा के रखना है मोबाइल डेटा के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सिम सेलेक्ट कर लेना, जिस भी सिम में आप नेट चलाते हो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक्सेस पॉइंट नाम का। दोस्तों, एक्सेस पॉइंट नाम का ऑप्शन नहीं है तो APN का हो सकता है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, APN सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, APN सेटिंग को रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। अब आपको सेटिंग करनी है, वो है आपको फ्री फायर के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आप फ्री फायर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं ना, तो ऐप इन्फो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, ऐप इन्फो वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको सेटिंग में भी मिल जाएगा। आपको मोबाइल का सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स। यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐप सर्च करेंगे तो ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर फ्री फायर। ओके, आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है फ्री फायर मैक्स में तो फ्री फायर मैक्स सर्च कर लेना, और फ्री फायर में प्रॉब्लम आ रही है तो फ्री फायर सर्च कर लेना। ओके, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। इस तरह से भी आ सकते हैं फ्री मतलब ऐप इन्फो पर, और इस तरह से भी आ सकते हैं फ्री फायर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ऐप इन्फो पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाइए। आ जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा स्टोरेज यूसेज मोबाइल स्टोरेज, मतलब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर कैच करना है। ओके, आपको क्लियर कैच करना है। ओके, आपको क्लियर डेटा नहीं करना है। ओके, क्लियर डेटा करने से आपका जो आप मतलब जो सेटिंग करके रखा हुआ होगा ना वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको क्लियर डेटा नहीं करना, आपको सिर्फ क्लियर कैच करना है। ओके, क्लियर कैच करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपको फ्री फायर को आपको तुरंत आपको ऑन नहीं करना। ओके, आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल को आपको पावर ऑफ करके पावर ऑन करना। ओके, तो इस तरीके से करने के बाद आपको फ्री फायर ओपन करके देख लेना आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके पावर ऑन करके यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर मैक्स ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो अगले वीडियो मिलते, तो गाइस बाय बाय।